देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो उनके मार्गदर्शन में हमको आपकी सुरक्षा और भविष्य दोनों के लिए तीसरे चरण की जो परीक्षाएं हैं, वो तीसरे चरण की परीक्षाएं अब 20 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार चौथा चरण है, चौथे चरण जो परीक्षाएं हैं वो जो मई के अंतिम होने थी वो 17 जुलाई 2021 से और 2 अगस्त 2021 तक वो आयोजित की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जानकर के आपको खुशी होगी, आपके लिए एनटीए ने बहुत अवसर दिया है। वो अवसर ये दिया है कि जो परीक्षाएं तीसरे चरण 2021 प्रारंभ होंगी और 25 जुलाई उस परीक्षा में जिन छात्रों ने कारणवश अपना आवेदन दिया था, कोरोना के कारण या विभिन्न परिस्थितियों के कारण वो नहीं कर सके थे, उनको भी मौका दिया गया फिर आवेदन किया। और इसकी तिथि क्या है कि 3-3 आज 6 तारीख की लेकर के और 8:11 ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चौथा चरण आपके एनटीए बहुत अवसर लेकर के आए, जो चौथे चरण की जो आपकी 27 जुलाई 2021 से और 2021 तक आयोजित, उसमें भी आप 3 दिन अंदर 9 जुलाई 2021 तक आवेदन करते ही हमें आपने आवेदन नहीं कर सका, अब किसी कारण परिस्थिति में आप छूट गए, ये बहुत बेहतर अवसर को दिया है। मैं एनटीए को भी धन्यवाद हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना। और इतना ही नहीं तो इन दोनों परीक्षाओं में जब आप आवेदन करना चाहेंगे उन दिनों के अंदर आप यदि अपना कोई परीक्षा चाहेंगे इच्छा के अनुसार और इच्छा के अनुसार यदि आप कहें 3 दिन के अंदर आपको विकल्प दे, हमारी कोशिश होगी कि आपकी अनुसार आपको उपलब्ध होगा। मुझे भी खुशी हो रही है कि जहां परीक्षा के केंद्र पिछली बार थे उससे दुगना से अधिक हमने परीक्षा केंद्र को बड़ा है, सामाजिक दूरियां सुनिश्चित हो सकें और दूर साथ साथ आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके, इसीलिए एसओपी का पालन का बार बार आग्रह किया। मैं आप सब की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का आप प्रकट करना चाहता हूं। हम सब लोग कि पहली बार ही जहां जेईई की परीक्षा होती थी, जेईई की चार बार होंगी और उन चारों बारों में भी जो उसके सर्वोच्च नंबर होंगी उन्हीं को अंकित किया जाएगा। एक तो ये आपके लिए बेहतर अवसर की एक बार की जगह चार बार उसमें जो बेहतर अंक आपका प्रदर्शन होगा उत्कृष्ट हो उसको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात देश के प्रधानमंत्री कि आप मातृभाषा में हमारे इंजीनियर और डॉक्टर भी बन सकेंगे, तो जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था जो क्षेत्रीय भाषा वो अपनी मातृभाषा इंजीनियर बन सकता है। और इसलिए ये जो परीक्षा है ये परीक्षा पहले केवल 3 भाषाओं में होती थी और आज ये परीक्षा 13 भाषाओं में वो बन सकता है, अपनी मातृभाषा बन सकता है। इतना आमूल चूल परिवर्तन जिस तरीके से हुआ है निश्चित रूप में आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं सब अभिभावकों से अपील करूंगा तरीके से पिछली बार हमने जेईई की परीक्षा दुनिया के सबसे नीट और कोरोना बहुत सफल रहे, सबकी मदद मिली राज्यों की
करूंगा, जिला प्रशासन निवेदन करूंगा, अभी निवेदन कि जो गृह मंत्रालय और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री एसओपी की गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करें, तभी आप परीक्षा केंद्रों पे जाएं। मुझे खुशी होगी कि हम उसका पालन करें और मैं प्रिय छात्र छात्राओं आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं। एक बार आपने करके स्वच्छंद तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा को दीजिए। इसमें जहां पिछली बार जितने सम्मिलित होते थे 4 गुना छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, आपको लगातार अवसर मिले, इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। शुभ